हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूक टीवी और मैं हूं आपके साथ दर्शना गहतराज। आज की खास खबर है जसवंतपुरा से, जहां सीएम राजे की गौरव यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। सुंदा माता तलहटी से करीब 1:30 बजे सीएम वसुंधरा राजे गौरव यात्रा रथ में सवार होकर रामसीन के लिए रवाना हुई। इस दौरान राजपुरा, दातलावास, राजिकावास, किबला, जाविया, चेकला और जसवंतपुरा तिराहे तक सीएम की झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखे। ग्रामीण रथ में सवार राजे का हाथ जोड़कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे, वहीं राजे भी ग्रामीणों का आभार व्यक्त कर रही थीं। गौरव यात्रा के दौरान रास्ते भर में ग्रामीण जन राजे की झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। राजे भारी लाभ लश्कर के साथ जसवंतपुरा कस्बे के समीप स्थित माली सेवा समिति छात्रावास स्थल पर पहुंची। यहां पर समाज की बालिकाओं द्वारा सामया कर ढोल धमाके के साथ गौरव यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। माली समाज के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का फूल मालाओं के साथ स्वागत सत्कार किया गया। इन दोनों नेताओं ने माली समाज के लोगों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। गौरव यात्रा धूमधाम से जसवंतपुरा तिराहे तक पहुँची, जहाँ पर भारी संख्या में कस्बे वासी खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इन लोगों का भी मुख्यमंत्री के द्वारा अभिवादन किया गया। सीएम का काफिले का जगह जगह पर लोगों ने स्वागत किया। तिराहे से गौरव यात्रा गोलाना, पावटी, फैदानी, चांदुर और बुगाम होते हुए रामसीन पहुंची। राजिकावास गांव के आगे करीब आधे घंटे के लिए सीएम का रथ रुका। इस दौरान वहां खड़े स्कूली बच्चों को देखकर राजे ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें चॉकलेट और बिस्किट वितरित कर अपनी संवेदना दिखाई, साथ ही बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। गौरव यात्रा के दौरान रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ नजर आए। विधायक देवल पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, आखिरकार शुक्रवार को उनकी मेहनत रंग लाई। गौरव यात्रा और देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।